दबंग मूवी से 2010 में अपने करियर की शुरुआत करने वाली सोनाक्षी सिन्हा इंडस्ट्री में अपने ओपिनियन को ओपनली और फ्रैंकली रखने के लिए जानी जाती हैं। पर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो वो हार्डली ही कोई कमेंट करना पसंद करती हैं। द एक्ट्रेस हैज टर्न 33 टुडे एंड ऑन दिस ओकेजन हम आपको बताने वाले हैं उनके कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में जो भले ही उन्होंने खुद कभी एक्सेप्ट ना किए हों पर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। नंबर 1, आदित्य श्रॉफ। खबरों की माने तो सोनाक्षी डेट कर रही थी फेम सिनेमाज MD आदित्य श्रॉफ को। दोनों अक्सर एक साथ स्पॉट किए जाते थे, बट ऑल ऑफ अ सडन इनकी ब्रेकअप की न्यूज आनी शुरू हो गई। वेल, एज सोनाक्षी नेवर एक्सेप्टेड दिस, बट अकॉर्डिंग टू सम लीडिंग पोर्टल्स, सोनाक्षी के किसी क्लोज सोर्स ने दोनों के 2 साल से साथ होने की बात मानी और ब्रेकअप का कारण इंटरनल प्रॉब्लम्स के ऊपर मेजर फाइट्स को बताया। नंबर 2, बंटी सचदेवा। बात उन दिनों की है जब हमारी दबंग गर्ल इंडस्ट्री में पैर जमा ही रही थी और पेपराजी उन्हें फॉलो करते कहीं भी पहुंच जाया करती थी, और अक्सर सेलिब्रिटी मैनेजर बंटी सचदेवा को सोनाक्षी के साथ स्पॉट किया जाता था। ये न्यूज जंगल में आग की तरह फैलने लगी और देखते ही देखते इनकी डेटिंग की खबरें आने लगी। इवन एक वेबसाइट ने तो ये तक कह दिया कि दोनों जल्द ही शादी भी कर सकते हैं। आपको बता दें, बंटी सचदेवा सोहेल खान की वाइफ सीमा सचदेवा के भाई हैं। जहां फैंस इंतजार कर रहे थे शादी की डेट्स का, वहीं ऑल ऑफ अ सडन इनकी ब्रेकअप की खबरों ने सारी उम्मीदें तोड़ दी। खैर, दोनों ने कभी अपना रिलेशन पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। नंबर 3, अर्जुन कपूर। सोनाक्षी और अर्जुन कपूर की रिलेशनशिप की न्यूज मूवी तेवर के समय आना शुरू हुई। खबरों के मुताबिक दोनों बेहद अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे और एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते थे। वेल, अनफॉर्चुनेटली इनका रिलेशनशिप सिर्फ मूवी रिलीज तक चला एंड दे पार्टेड अवे। अब ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप था या महज एक र्यूमर, ये तो दोनों खुद ही जाने। तो ये थे दबंग गर्ल के कुछ पास लिंकअप्स की लिस्ट। आपका इस स्टोरी पे क्या व्यू है जरूर बताएं इन द कमेंट्स बिलो। फॉर मोर सच कंटेंट डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट टू bollywoodlife.com।